हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के बारे में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा गिरावट इसके शेयर्स में चल रही है। एक BSE की बात करें तो 1 रुपये 90 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। NSE की बात करें तो 2 रुपये 10 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और हर रोज़ इसके शेयर्स में 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके शेयर में एक और नई अपडेट आई है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि वो इस शेयर्स पर आने वाले दिनों में छोटी सी अपडेट है लेकिन अफेक्ट बहुत बड़ी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरकॉम की अगर मैं पिछले 1 हफ्ते का डेटा निकालूं तो पिछले 1 हफ्ते में आरकॉम के शेयर में 21% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 1 रुपये 90 पैसे का लो बन चुका है और 2.43 रुपीज़ के आसपास का हाई भी इसने बनाया था। हालांकि एक महीने की बात करें तो एक महीने में 64% से भी ज़्यादा की गिरावट है। अब चार्ट देखिए, बिल्कुल नीचे की तरफ आता हुआ चार्ट है, बिल्कुल नीचे की तरफ आता। कहीं पे भी पिछले 1 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि इसके शेयर्स ने अपर सर्किट लगाई हो। 1 रुपये 90 पैसे का लो बना है और 5 रुपये 32 पैसे का हाई ये बना चुका था। 1 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में हालांकि 89% से भी ज्यादा की गिरावट इसके शेयर्स में देखने को मिली है। 1 रुपये 90 पैसे का लो है और 20 रुपये 70 पैसे का हाई ये बना चुका था। 3 साल की अगर हम बात करें तो आरकॉम के शेयर में पिछले 3 साल में 96% से भी ज्यादा की गिरावट है। 1 रुपये 90 पैसे का लो है और ऑलमोस्ट 59 रुपीज तक का हाई बनाया। चार्ट आप देखिए, कंटिन्यूस गिरता हुआ नीचा है। बीच बीच में अपर सर्किट जरूर लगी है लेकिन एंड ऑफ द डे ये नीचे ही जाता है कुछ वक्त के बाद। अगर 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में आरकॉम के शेयर में 99% से भी ज्यादा की गिरावट है। 350 रुपये का शेयर आज 2 रुपये से भी कम में ट्रेड कर रहा है। 2009 में जो शेयर 350 रुपये पर ट्रेड कर रहा था आज वो 2 रुपये से भी कम में ट्रेड कर रहा है। जरा सोचिए उस वक्त ये 350 रुपये की कितनी ज्यादा वैल्यू थी और आज 2 रुपये पर आके ये अटका हुआ है। बात करेंगे हम इसके तो देखिए, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। 525 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है ये। NSE में अगर हम बात करेंगे तो 23 लाख के अराउंड इसका वॉल्यूम ट्रेड है। BSE में तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। नतीजे तो उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ना ही नेट सेल्स इनके अच्छे हैं, ना ही इनके नेट प्रॉफिट करोड़ों में नुकसान लेकर बैठे हुए हैं। और शेयर होल्डिंग देखिए, शेयर होल्डिंग आप देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो में हर बार कहा था कि मार्च 2019 क्वार्टर का जैसे ही नतीजे आएंगे आपको पता चलेगा कि प्रमोटर्स ने बहुत ही बड़ी होल्डिंग गिरा दी है। प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2019 में 53% से भी ज्यादा की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 22% पर आके अटके हुए हैं। 22% की होल्डिंग बची है इनके पास। FIs की बात करें तो FIs के पास जो 8.42% की होल्डिंग थी उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम करके 8.26 पे आ गए। म्यूचुअल फंड तो ऑलमोस्ट निकल ही इसमें लिया है, 0.38% की जो होल्डिंग थी अब वो 0.01 पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग गिरी हुई है, जो होल्डिंग 6.39 हुआ करती थी वो अब 6.36 पे आ चुकी है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 59.38% की होल्डिंग अभी है जो पहले 31 हुआ करती थी। अदर डीएस के पास 3.99% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के द्वारा 22% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहां पर गिरवी रखी हुई है। देखिए, 0.01% की होल्डिंग में भी 35 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्टेड है, अभी भी 89 FIs भी इसमें इन्वेस्टेड है और डिविडेंड तो ये पे नहीं कर रहा है। 2013 से ही इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। आरकॉम के बारे में अगर मैं मनी कंट्रोल में जाऊं तो मनी कंट्रोल में अभी भी 47 लोग इसमें कह रहे हैं कि खरीदारी कर लो, बढ़िया फायदा होगा। 34% इसमें सेल करने के लिए बोल रहे हैं, 19% लोग इसमें होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। आरकॉम के ऊपर अगर कर्जे की बात करें तो मार्च 2018 का डेटा है, तब तक इसमें तकरीबन 28,000 करोड़ का कर्जा था जो अभी 40 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है।
और नतीजे तो आप देख ही रहे हो कि हर क्वार्टर में बहुत ही बुरे नतीजे इनके देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सी अपडेट आ रही है आरकॉम में, तो पहली अपडेट जो आज की अपडेट है वो ये है कि एरिक्सन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रिटर्निंग 580 करोड़ टू अनिल अंबानी आरकॉम। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर एरिक्सन इनको पैसा वापस क्यों करेगा, क्यों पैसा ये इनको वापस करेगा। तो एक्चुअली एनसीएलटी की तरफ से आपको पता होना चाहिए कि आरकॉम गया था एनसीएलटी में दिवालिया होने की प्रोसेस में। उन्होंने कहा था कि ये कंपनी चला ही नहीं सकते हैं, कंपनी आरकॉम के पास उतना पैसा ही नहीं है कि ये कंपनी चला सके, तो इसलिए वो दिवालिया होने की प्रोसेस में था। वो पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ ये थी कि एरिक्सन के ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को बोला था कि उन्होंने उनको एरिक्सन का पैसा लौटाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अनिल अंबानी को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो आखिरकार उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने पैसा लौटा दिया था, लेकिन अभी भी ये केस एनसीएलटी में था। तो देखो एनसीएलटी में जब केस जाता है तो दिवालिया होने की जो प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस होने के बाद इनके असेट्स बेचे जाते हैं और उसके बाद ये दिए जाते हैं लेंडर्स को। तो लेंडर्स में सबसे पहला हक बनता है बैंक का। तो अगर ये है कि आरकॉम अगर दिवालिया होता है, आरकॉम अगर दिवालिया होता है तो एरिक्सन को पैसे लौटाने पड़ेंगे आरकॉम को। अगर आरकॉम दिवालिया नहीं होता, अगर वो वापस से इस प्रोसेस से बाहर आ जाता है तो पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दिवालिया होता है तो पैसा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी नेटवर्क एरिक्सन हैज मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेन द पोटेंशियली हैव टू रिटर्न 580 करोड़ टू रिलायंस कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एन एनसीएलटी ऑब्जर्वेशन इफ द अनिल अंबानी लेट फर्म रिज्यूम इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग द सुप्रीम कोर्ट विल हियर एरिक्सन प्ली इन जुलाई दिस ईयर। इसी साल जुलाई में इसकी हियरिंग होगी। तो देखिए अभी भी मामला टला नहीं है। देखो चीजें ये है कि जुलाई तक ये हियरिंग चलती रहेगी तो आरकॉम का जो शेयर है अभी भी इसमें जो भी ड्रामा चल रहा है वो अभी भी जुलाई तक खींचा जाएगा, और जुलाई का अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी अगर चला गया तो भी उतनी हैरान होने वाली बात नहीं है। देखिए एरिक्सन हैज रिसीव द सम ऑफ 580 करोड़ फॉर आरकॉम एज द सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सेटलमेंट पेंडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग ऑफ आरकॉम इन एनसीएलटी। आरकॉम लास्ट मिनट पेमेंट टू एरिक्सन सेव द चेयरमैन अनिल अंबानी। तो जैसे कि लास्ट मिनट में आरकॉम ने पैसा दे दिया, उसकी वजह से अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए। ठीक है, द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अपॉन आरकॉम इनिशिएट बाय एरिक्सन इन मई 2018। पिछले साल मई में आरकॉम एरिक्सन ने इनके ऊपर केस किया था। वेर पुट अ स्टे विद आरकॉम कॉम्प्रोमाइजिंग रूपी 580 का। तो एरिक्सन नाउ आरकॉम हैज डिसाइडेड टू वैकेट इट्स स्टे एप्लीकेशन एंड रिज्यूम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग द एनसीएलटी सेड दैट द एरिक्सन मे हैव टू रिटर्न द मनी इन दिस केस। मीन वाइल एनसीएलटी विल हियर आरकॉम प्ली ऑन वैकेंस। तो ये है कि एनसीएलटी आरकॉम की जो है उसको 30 अप्रैल को सुनेगी इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है। तो 30 अप्रैल को भी एक न्यूज आपको देखने को मिल सकती है, और नेक्स्ट न्यूज है वो आपको जुलाई तक भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। और देखिए आप अगर यहां पर आप देखे जाए तो एरिक्सन हैज अर्लियर रिफ्यूज टू कमेंट ऑन रिपोर्ट दैट मे इन्वॉल्व द रिटर्न फायर टिकॉज इन ड्यू दैट रिसेंटली रिकवर फ्रॉम रिलायंस कम्युनिकेशन व्हेन आस्क द एरिक्सन नेक्स्ट स्टेप द आरकॉम एरिक्सन हेड नथिंग रिफ्यूज टू कमेंट। तो एरिक्सन ने अभी हाल फिलहाल कुछ भी कहने से मना कर दिया है कि वो इसमें किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो यहां पर जो सवाल है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए अगर आपने खरीदा है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर अगर आरकॉम दिवालिया की जो प्रोसेस है उससे अगर बाहर निकल आता है, अगर वो बाहर निकल जाता है, चांसेस बहुत कम है। देखिए 100 में से 10% चांसेस है इसके, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर वो निकल आते हैं किसी भी तरीके से, कनेक्शन से या कोई भी प्रोसीजर से, क्योंकि अगर देखो एक निकल आने की एक जो अजम्पशन लग रहा है वो ये कि अगर 2019 में अगर मोदी सरकार बन गई तो डेफिनेटली आरकॉम और अनिल अंबानी को थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। तो शायद एक फायदा उनको मिले, और अगर शायद वो दिवालियापन की प्रोसेस से अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं तो इसके शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी। देखिए इनके शेयर्स बेचे जाएंगे, और अगर दिवालिया प्रण की प्रोसेस से अगर ये लोग बाहर नहीं आते तो
ये होगा कि इनके शेयर्स को बेचा जाएगा और इनके शेयर्स की जो सॉरी इनके जो असेट्स हैं उसको बेचा जाएगा। तो असेट्स की जो कीमत है वो हार्डली 12 से 15 हज़ार करोड़ के आसपास है, जबकि इनके ऊपर कर्जा 40 से 50 हज़ार करोड़ का कर्जा है। तो उससे बैंक का ही पैसा चुकता नहीं होगा। अगर दिवालिया होता है आरकॉम तो बैंक का ही पैसा चुकते नहीं होगा, जो सबसे पहला हक बैंक का लगेगा। सबसे लास्ट में पैसा मिलता है शेयर होल्डर्स को। तो अगर दिवालियापन होता है आरकॉम तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस से वो बाहर आ जाते हैं, दिवालियापन की प्रोसेस से बाहर आ जाते हैं, तो 2 रुपए का शेयर हो सकता है कि 5-6 रुपए पर भी ट्रेड करें। तो इसलिए जिन्होंने खरीदा हुआ है उनको मैं ये कहूंगा कि देखो 2 रुपए में इतने कम में बेच के निकलने का कोई फायदा नहीं है। और जिन्होंने तो शायद वो होल्ड कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं खरीदा है, बायर्स है, नए बायर्स है, उनको मैं कहूंगा कि प्लीज इसमें मत पड़े, मत पड़े। भले ही ये शेयर 2 का 6 रुपए भी क्यों ना हो जाए, इसमें मत पड़े, क्योंकि शायद अगर दिवालिया हो गया तो आपको 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। बेटर है कि आप कोई अच्छे शेयर्स में पैसा लगाएं जिससे आपका पैसा को आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।